में रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में पहली ऑफलाइन परीक्षा 12 जुलाई को होगी। कृषि और उससे संबंधित विषयों में पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 3,500 छात्रों ने आवेदन दिया है। परीक्षा के लिए 9 सेंटर बनाए जाएंगे। पहले प्रवेश परीक्षा के लिए सिर्फ रायपुर में ही सेंटर होते थे। इस बार रायपुर के अलावा बिलासपुर, जगदलपुर, भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर, अंबिकापुर समेत अन्य जगह भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रवेश परीक्षा में छात्रों को परीक्षा देने ज्यादा दूर न जाना पड़े, इसलिए सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई है और छात्र जिस क्षेत्र का निवासी है वहीं उसका परीक्षा केंद्र भी है। कोरोना काल के बीच पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं 12 जुलाई से आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं जो है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ही आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में कृषि एवं उससे संबंधित विषयों एवं पीजी पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। करीब 3,500 छात्रों ने इस सिलसिले में जो है आवेदन किया है। सभी छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, हैंड वॉश की सुविधा रहेगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी जो अनिवार्यता है वो रहेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि छात्रों को जो है ज्यादा ट्रैवल करना ना पड़े, इसके लिए भी जो अलग सी सुविधा है वो भी उन्हें प्रदान की गई है। कैमरा मैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। रानीखेत के